हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने वीडियो नंबर 23 अपने आखिरी वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे डाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में। हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अब आज के वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 24 में, हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, बट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। यस सर। सो आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमने अपने आखिरी लेक्चर में काइम नाम की चीज़ को बनाया था, CHYME। काइम जो है, इट इज़ अ पार्शली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड मटेरियल, सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्टमक। ये स्टमक में पाया जाता है। यस सर। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम काइम से जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे ही पार्शियल डाइजेशन स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और जितना भी सेमी सॉलिड पार्शियली डाइजेस्टेड जो मटेरियल है, जिसको हमने अपने आखिरी लेक्चर में, आखिरी वीडियो में काइम नाम दिया था, जैसे ही ये काइम बन जाता है, अब ये जो काइम है वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। आपको तो पता ही है कि ये जो काइम होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब स्टमक से आ रहा है और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कंडीशन उसको दिया जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी एंजाइम्स है वो अल्कलाइन पीएच पे काम करने के लिए बने हुए हैं। यस सर। तो अल्कलाइन कंडीशन देने के लिए बाइकार्बोनेट आयन्स होता है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो, इस जो पूरा प्रोसेस होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, यस सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन जो सिक्रेशन होते हैं या तीन टाइप के जो जूस होते हैं उनका मिलन होता है, मतलब वो मिलते हैं। जैसे पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, लीवर से बाइल जूस आएगा, और इंटेस्टाइन खुद भी सकस एंटेरिकस नाम का जो इंटेस्टाइनल जूस है वो प्रोड्यूस करेगा। इस बात को लिखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर तीन टाइप के सिक्रीशंस आएंगे। पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियास से आएगा, देन देयर इज गोइंग टू बी इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन से आएगा, देन देयर इज गोइंग टू बी बाइल जूस, जो लीवर से आएगा, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से सिक्रेशंस पाए जाते हैं वो आपको ऑलरेडी पैंक्रियाटिक जूस में बताया गया है। आज हम उसका एक लिस्ट होता है, वो लिस्ट हम बनाएंगे ताकि आपको वो पार्ट रिवाइज हो जाए। सो पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में जो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है, उस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। So there is going to be bicarbonate. Bicarbonate के बाद
देयर इज गोइंग टू बी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाएंगे। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। आपको इन एंजाइम का अगर नाम याद रखना है तो आपको इनको कैटेगराइज करने आना चाहिए। कैसे इनको कैटेगराइज करना है, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, देयर इज गोइंग टू बी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, देयर इज गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, देयर इज अ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड देयर इज अ ऑलवेज न्यूक्लिक एसिड विच इज लास्ट कंपोनेंट जो कि डाइजेस्ट होगा। यस सर, अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है, देयर इज गोइंग टू बी इलास्टेज, प्रो इलास्टेज नाम का एंजाइम आता है। देन देयर इज गोइंग टू बी ट्रिप्सिनोजन आता है, काइमोट्रिप्सिनोजन आता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज आता है। ये चार एंजाइम आते हैं, इनका नाम लिखते हैं। ये जो फोर कैटेगरीज ऑफ एंजाइम जो आपको इस सामने नजर आ रहा है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, इसलिए हम इसको प्रोटीएज कैटेगरी में हम बोलते हैं। ये जितने भी एंजाइम्स हैं इस समय आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमेशा अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। एज दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म, इनको हम प्यार से हमेशा क्या याद रखते हैं, इनको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं प्यार से। सो दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज इनएक्टिव, इनएक्टिव, और इनको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। तो ये पहली कैटेगरी है जो आपको यहाँ पे लिस्ट में क्लियर हो गई है। हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जब हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो हमको याद आता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम में यहाँ पे सबसे पहले आता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज के बाद देयर इज गोइंग टू बी पैंक्रियाटिक लाइपेज। वेरी गुड। देन डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले डीएनएज एंड आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले आरएनएज। यस सर, देयर इज गोइंग टू बी डीएनएज एंड देयर इज गोइंग टू बी आरएनएज। ये एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। यस सर, तो ये हो गया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले, ये लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, और ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले। सो आई थिंक इनको हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि आपको कैटेगरीज क्लियर हो अच्छे से। दिस इज सेकेंड कैटेगरी जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर है। अब पैंक्रियाटिक जूस अगर हमने पढ़ लिया हुआ है तो हमको ये भी समझना होगा कि इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, ये भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझता है क्योंकि उनको ये एंजाइम्स याद नहीं हो पाते। एंजाइम्स को याद करने का तरीका क्या है, एंजाइम्स को याद करने का तरीका है कि आप कैटेगराइज कर लें। जैसे ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये फैट, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, अगर आप इनको कैटेगराइज कर लेंगे तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं इस समय थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट में हम लोग इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। जब मैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात करता हूँ, यस सर, इंटेस्टाइनल जूस में जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो आती है प्रोटीन की। उस प्रोटीन की कैटेगरी में हमारे पास एंजाइम होते हैं,
देयर इज गोइंग टू बी एंट्रोकाइनेज जो सबसे पहली कैटेगरी है, उसके बाद ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं. एंट्रोकाइनेज है, एंट्रोकाइनेज बहुत ही स्पेशल एंजाइम है क्योंकि ये जो एंट्रोकाइनेज है ये इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा. पक्का? सो एंट्रोकाइनेज है, देन देयर इज अ अमीनो पेप्टिडेज. जो लिखा है हमने यहाँ पे अमीनो पेप्टिडेज, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कार्बोक्सी पेप्टिडेज. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज. सो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अमीनो पेप्टिडेज. देन देयर इज गोइंग टू बी डायपेप्टिडेज. सुपर. ये जो तीन कैटेगरीज आपको इस समय दिखाई दे रही हैं, इनको हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की कैटेगरी में हम इनको लिखते हैं. देन प्रोटीन के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होते हैं माल्टेज. माल्टेज का भाई आइसो माल्टेज. डेक्सट्रिनेज. सुक्रेज. लैक्टेज. सो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर. और ये तीनों पार्ट्स, ये जो कैटेगरी है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए है. सो दिस आर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो चलो बच्चों आगे की कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं. ये रहा प्रोटीन और ये रहा कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद आपके पास आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज. देन लास्ट कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी में आता है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज. सो आई थिंक ऑल दिस कैटेगरीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर. ये इंटेस्टाइनल लाइपेज की कैटेगरी है और ये न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरीज है. अगर आपको ये कैटेगरीज क्लियर हो गया है तो आपका दिमाग अब तैयार है ये सीखने के लिए कि एग्जैक्टली में मैकेनिज्म इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा सिक्रीशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है. सिक्रीशन तो हो ही चुका है. यस सर. देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, जो तीसरा सिक्रीशन हमारे इंटेस्टाइन में आता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस. आपको पता है उस बाइल जूस में पैंक्रियाटिक उस बाइल जूस में बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट नाम के दो केमिकल्स पाए जाते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे फैट को इमल्सीफाई करने में या फैट को डाइजेस्ट होने के काबिल बनाने के लिए. यस सर. इमल्सीफिकेशन इज नॉट डाइजेशन. यस सर. सो ये जो सारा सिक्रीशन है जो अभी अभी आपने सीखा हुआ है, ये जो सारा सिक्रीशन है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस. इसका साइंटिफिक नाम है सकस एंटेरिकस. सकस एंटेरिकस इसका साइंटिफिक नाम है, जो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया. यस सर. सो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है. डन. तो बच्चों ये जानने की कोशिश करते हैं कि काइम जब ड्यूओडेनम में आएगा तो पैंक्रियाटिक के जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे काइम को डाइजेस्ट करते हैं. यस सर. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद करना होगा, चलो स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला स्टेप है आपको याद करना होगा कि हु इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का सबसे पहला एंजाइम जो हमने आपको लिखा के दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज. क्या बोलते हैं बच्चों? एंटेरोकाइनेज.
एंटरोवर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो इंटेस्टाइन क्या है, लाता है, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं, एंट्रो का मतलब इंटेस्टाइन होता है। यस, तो सबसे पहले बच्चों एग्जैक्टली क्या होगा, देयर इज अ एंजाइम और वो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एंटरोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज एग्जैक्टली में करेगा क्या, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, और ये जो ट्रिप्सिनोजन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको बात। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, वो एंजाइम को हम बोलते हैं एंटरोकाइनेज। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो एंटरोकाइनेज आपको दिखाई दे रहा है ये इंटेस्टाइन का पहला एंजाइम है, मतलब हमने सबसे पहले लिखा हुआ है इसलिए हम उसको पहला बोल रहे हैं, मतलब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और यहाँ पे आप ये जो ट्रिप्सिनोजन देख सकते हैं ये हमेशा अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका एक्टिव फॉर्म जो है वो फॉर्म हो जाता है, इसका एक्टिव फॉर्म है वो बन जाता है। डन, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा ये ट्रिप्सिन अब एक्टिव हो जाएगा, जब ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, तो वो नंबर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर टू, ये जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिवेट होने के बाद वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, तो हम यहां पे लिखते हैं काइमो काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये काइमोट्रिप्सिनोजन अब कन्वर्ट हो जाएगा काइमो काइमोट्रिप्सिन, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा हमेशा ट्रिप्सिन। सुपर, यस सर, ये बात भी आपको क्लियर है। हम लोग आते हैं नंबर तीन रिएक्शन के बारे में। ये जो ट्रिप्सिन है ये अब प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा, सो देयर इज अ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना। और जो एंजाइम इसमें यूज होगा उस एंजाइम को हम ट्रिप्सिन कहते हैं, ये सारा जो रिएक्शन है वो ट्रिप्सिन ही कैटेलाइज कर रहा है, यस सर, ट्रिप्सिन ही काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, और अब प्रो इलास्टेज एंजाइम को इलास्टेज में एक्टिव कर देगा। नंबर फोर, प्रो इलास्टेज, इलास्टेज में एक्टिव हो जाएगा, ये काम भी ट्रिप्सिन ही करेगा। सुपर, मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई है। सो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ट्रिप्सिन जो होगा वो सभी को एक्टिव कर देगा। अब हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है उसमें पहला आता है ट्रिप्सिन, फिर काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और इलास्टेज। अब ये तीनों, ये जो चारों एंजाइम से, ये चारों एंजाइम अब एक्टिव हो गए हैं, और जब ये एक्टिव हो गए हैं तो अब ये अपना प्रोटीन को, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रोटीन को अब ये डाइजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आगे के रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, रिएक्शन नंबर 5। आगे ये होगा कि ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, जो भी प्रोटीन जो हमारे काइम में प्रेजेंट है वो प्रोटीन जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन और वो बनाएगा डाइपेप्टाइड्स। अगले रिएक्शन में ये होगा पॉइंट नंबर 6, ये जो पेप्टोन है,
पेप्टोन को काइमोट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, दैट इज दिस एंजाइम, वो उसको कन्वर्ट करके डायपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस इज अ पेप्टोन. पेप्टोन आपको पता ही होगा, हमारे जो स्टमक में डाइजेशन का जो प्रोसेस था, इसके पहले का वीडियो, मतलब वीडियो नंबर 23 में आपने देखा हुआ है कि पेप्टोन प्रोटीज एग्जैक्टली में क्या होते हैं. तो पेप्टोन और प्रोटीज प्रोटीन के डाइजेशन होने के बाद स्टमक में बनते हैं. अब उन पे काइमोट्रिप्सिन वर्क करेगा. ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे हमको लिखना था ट्रिप्सिन और यहां पे हमको लिखना है काइमोट्रिप्सिन. यस सर. सो पेप्टोन काइमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देगा, नो, काइमोट्रिप्सिन पेप्टोन को कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड में. नाउ अब कौन सा एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ये क्या करेगा जरा देखते हैं. ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ये क्या करेगा, ये भी पेप्टोन, पेप्टोन यहां पे आ गया. अब कौन बचा है प्रोटीन का, प्रोटियोस बचा हुआ है, प्रोटियोस. तो अब ये प्रोटियोस पे वर्क करेगा. प्रोटियोस और प्रोटियोस को ये कन्वर्ट कर देगा डायपेप्टाइड में. देयर इज गोइंग टू बी एंजाइम और वो एंजाइम यहां पे अब पाया जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज. सो देयर इज गोइंग टू बी कार्बोक्सी पेप्टिडेज. सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रोटियोस को डायपेप्टाइड में, पेप्टोन को डायपेप्टाइड में, प्रोटीन को डायपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि प्रोटीन को ब्रेक होने के बाद अब डायपेप्टाइड यहाँ पे जमा हो जाएगा. अब और कौन सा एंजाइम बाकी है, इलास्टेज, जो यहाँ पे एक्टिव हो गया है, प्रो इलास्टेज से ये इलास्टेज में कन्वर्ट हुआ है. ये इलास्टेज अब क्या करेगा, ये इलास्टेज इलास्टिन फाइबर को, जो भी नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर आपने खाया हुआ है और उसके अंदर इलास्टिन फाइबर है, तो इलास्टिन को इलास्टेज डाइजेस्ट करेगा और वो भी उसको डाइजेस्ट करने के बाद डायपेप्टाइड बनाएगा. सो व्हाट यू गोना राइट, नंबर 8, इलास्टिन फाइबर डायपेप्टाइड एंड देयर इज गोइंग टू बी एंजाइम कॉल्ड इलास्टेज. इलास्टेज इलास्टिन फाइबर को डाइजेस्ट करके अब डायपेप्टाइड बना देगा. तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने ये सीख लिया है कि कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है. अब प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, एडिशनल पॉइंट है, जो एम से रिलेटेड पॉइंट है उसको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. यस सर. सो इसको हम बोलते हैं एम्स अलर्ट. एम्स अलर्ट में हम सबसे पहला पॉइंट ये सीखने जा रहे हैं कि जो भी प्रीडेटरी एनिमल्स होते हैं, जैसे कार्निवोरस एनिमल होता है, लायन होता है, टाइगर होता है, क्या ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाते हैं, जरा देखते हैं. यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जितने भी प्रीडेटरी एनिमल हैं वो कार्निवोरस होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम, और वो किल करते हैं और किल करने के बाद ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को ईट करते हैं. और जब वो एनिमल को खाते हैं तो वो रेड कलर का जो ब्लड होता है उसको भी सक कर लेते हैं, ब्लड भी लेते हैं. तो क्या ब्लड वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस. तो प्रीडेटरी एनिमल के अंदर जो ट्रिप्सिन पाया जाता है, प्रीडेटरी एनिमल के अंदर जो ट्रिप्सिन पाया जाता है, वो ब्लड में, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हम ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं. उस प्रोटीन का नाम होता है फिब्रिनोजन. मैं लिखता हूं यहां पे, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ फिब्रिनोजन. ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है,
फिब्रिनोजन, ट्रिप्सिन जो है उस फिब्रिनोजन को फिब्रीन फाइबर में कन्वर्ट करता है, फिब्रीन फाइबर्स। अगर हम इसको प्यार से शॉर्ट में समझाए तो फिब्रीन फाइबर मतलब ये ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड का जमना। जैसे ब्लड आपको कट होता है तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है, ब्लड आफ्टर सम टाइम जम जाता है, राइट? सो देयर इज अ क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यहां पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। फिब्रिनोजन फिब्रीन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब ब्लड को क्लॉट कर देता है। सुपर, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। तो प्रेडेटरी बर्ड हमारे ब्लड को डाइजेस्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रिप्सिन है। यस सर, अब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के बारे में, दैट इज हम लोग वर्टिब्रेट है उनके बारे में बात करते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, वर्टिब्रेट एनिमल। ये जो वर्टिब्रेट एनिमल होता है वो कौन कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या आप अपने नेल के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने हेयर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप फाइबर को, कोलेजिन फाइबर को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप सिल्क फाइबर को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप वुल फाइबर को डाइजेस्ट कर सकते हैं? वुल जो होता है, सिल्क होता है, हेयर होता है, कैराटीन के जो नेल्स, नेल्स के जो प्रोटीन होते हैं, नेल्स को आप खा सकते हो क्या, डाइजेस्ट कर सकते हो क्या? खा सकते हो लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कैसे? यह देखिए यहाँ पे, ये जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं दे डू नॉट हैव अ प्रोटीज विच डाइजेस्ट सिल्क फाइबर, वुल फाइबर, नेल एंड हेयर प्रोटीन। सो मैं लिखता हूं यहां पे, डू नॉट contains enzymes, proteases, which digest hairs, nails, वुल फाइबर, सिल्क फाइबर। इनके पास वो एंजाइम्स नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लीजिए कि इंसेक्ट के पास ऐसे प्रोटीन होते हैं, ऐसे एंजाइम्स इंसेक्ट के पास पाए जाते हैं जो सिल्क फाइबर को और वुल फाइबर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मींस जो इंसेक्ट होता है वो फाइबरस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। Insect can digest fibrous protein. तो ये fibrous protein को digest कर सकते हैं, insect के बारे में ये बात कही जा रही है। मेरे ख्याल से ये point है वो आपको अच्छे से clear हो गया है। Yes sir, अब हम लोग move on करते हैं, हमने protein का digestion कर लिया हुआ है, अब हम digest करने जा रहे हैं starch को। Yes sir, video में बने रहिए। हे कम ऑन इंडिया, अभी आपने सीखा कि कैसे यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है। आपको एक बात पता होनी चाहिए जो मुझे मेंशन करनी चाहिए थी कि हेयर एंड नेल, हमारे हेयर और नेल में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कैराटीन प्रोटीन। सो इट इज कॉल्ड कैराटीन। तो आप इस प्रोटीन का नाम याद रखिएगा। तो अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन खाते हैं तो आपका जो हेयर है और नेल है वो बनता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डाइट में सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट हमेशा बना रहे। अब हम लोग आगे जाते हैं। हमने देखा कि हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करके डायपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, कैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, कैसे पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट होता है। सो हमको पता होना चाहिए कि हम अगले रिएक्शन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। यहां पे जो स्टार्च है, दैट स्टार्च विल बी डाइजेस्टेड बाय द पैंक्रियाटिक अमाइलेज।
So there is going to be pancreatic amylase. Yes, sir. Pancreatic amylase स्टार्च को ब्रेक करके वो बनाएगा माल्टोस, आइसो माल्टोस, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म डेक्सट्रीन. माल्टोस प्लस आइसो माल्टोस प्लस डेक्सट्रीन, जो कि एक सिंपल शुगर है जो स्टार्च के डाइजेस्ट होने के बाद बनता है. डेक्सट्रीन आपके दांत के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं, दांत के ऊपर जो व्हाइट लेयर बनता है वो भी डेक्सट्रीन से बना होता है. एंड दे आर आपके दांत के ऊपर, उसको किसने बनाया? उसको बैक्टीरिया ने बनाया, बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है. यस सर. और स्टार्च के ब्रेक होने पे डेक्सट्रीन बनता है, माल्टोज बनता है, आइसो माल्टोज बनता है. तो ये रहा पैंक्रियाटिक अमाइलेज का डाइजेशन, दैट इज स्टार्च कैसे डाइजेस्ट होता है. अब हम फैट का बारी आता है. हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, फैट के बारे में अब बात करेंगे. लेकिन ये जो फैट का जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन को सीख लेते हैं. यस सर. ये भी को लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं. एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए. एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए. ये जो डीएनए होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम डीएनएज बोलते हैं, और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है उसको हम आरएनएज बोलते हैं. सो देयर इज गोइंग टू बी न्यूक्लिक एसिड. इसमें डीएनए का भी डाइजेशन होगा और आरएनए का भी डाइजेशन होगा. डीएनए डाइजेस्ट होने के बाद न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए डाइजेस्ट होने के बाद भी न्यूक्लियोटाइड बनेगा. लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, पहले हम एंजाइम का नाम लिख देते हैं. एंजाइम यहां पे आएगा डीएनएस, यहाँ पे एंजाइम आएगा आरएनएस. यस सर. आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, लेकिन डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. सो ये राइबो वर्ड आएगा यहाँ पे और यहाँ पे डीऑक्सीराइबो वर्ड आएगा. यस सर. डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. बात समझ में आ गई आपको? चलो. सो डीएनए इज विल डाइजेस्ट डीएनए टू फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये एक कंपाउंड हो गया, और आरएनए इज विल डाइजेस्ट आरएनए एंड इट विल फॉर्म राइबो न्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम लोग फैट के डाइजेशन के लिए अपने लेक्चर में जा रहे हैं. यस सर. डाइजेशन ऑफ फैट, मैं एक सब टाइटल लिख देता हूँ क्योंकि फैट का डाइजेशन एक थोड़ा स्पेशल पॉइंट माना जाता है. यस सर. फैट डाइजेशन. अब आपको पहली चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में जब भी फैट डाइजेस्ट होता है, जब भी हमारे बॉडी में फैट आता है स्टमक में या इंटेस्टाइन में, जितना भी फैट है वो फैट एक दूसरे से मिल जाते हैं. यस सर. एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं और वो बड़ा सा फैट ग्लोबुल्स बनाते हैं. जैसे आप क्या कीजिए, दाल के अंदर आप गर्म गर्म दाल के अंदर अगर आप एक चम्मच घी डालेंगे और रुक जाएंगे तो वो घी अपना एक लेयर बना लेगा और एक ही लेयर बनाएगा. लेकिन जब आप उसको मिक्स करेंगे तो उसके मल्टी टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े, घी के बहुत सारे टुकड़े बनते हैं, है ना. तो लेकिन अगर आप मिक्सिंग करने के बाद थोड़ा वेट करें तो वो सारे जो टुकड़े होते हैं वो सारे एक दूसरे से फिर से मिलके एक बड़ा सा फैट का जो ग्लोबुल्स होता है, बड़ा सा ग्लोबुल होता है, ग्लोबुल का मतलब होता है गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं. यस सर.
तो आपके बॉडी में आपने फैट जहाँ पे भी खाया हुआ है, आपने चपाती के साथ फैट खाया हुआ है, राइस के अंदर आपने घी डाला हुआ है, या घी आपको वेजिटेबल को बनाते हुए घी यूज़ किया या ऑयल यूज़ किया गया, ये सारे ऑयल एक साथ आते हैं और एक ये बड़ा सा फैट ग्लोबुल्स बनाते हैं, तो ये वो फैट ग्लोबुल्स कहलाते हैं। सो इट्स अ बिग फैट ग्लोबुल्स जो आप इस समय देख सकते हैं। यस तो ये जो स्ट्रक्चर आपको इस समय दिखाई दे रहा है इस बोर्ड पे ऑरेंज कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं फैट ग्लोबुल्स। व्हाट वी कॉल इट एज अ फैट ग्लोबुल्स, इसको हम फैट ग्लोबुल्स बोलते हैं, फैट ग्लोबुल्स, है ना। अब ये जो फैट ग्लोबुल्स है, इट विल अंडरगो इमल्सिफिकेशन। क्या करेगा ये? इमल्सिफिकेशन करेगा। It will undergo emulsification. Yes, sir. It will undergo emulsification. जब ये emulsification करेगा, तो emulsification करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो आपको पहले पुराने क्लास में बताया हुआ है function of bile में, कि bile के अंदर bile salt पाया जाता है, bile salts पाए जाते हैं, और ये जो bile salts होते हैं वो हमारे इस fat के globules को फैट के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज वन फैट ड्रॉपलेट, दिस इज सेकेंड, दिस इज, दे आर सो मैनी फैट के ड्रॉपलेट बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है वो बाइल सॉल्ट है, क्या है? बाइल सॉल्ट है, है ना। अगर ये जो रेड स्ट्रक्चर वो बाइल सॉल्ट है, तो ये जो फैट ग्लोबुल्स है, ये फैट ग्लोबुल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फैट ड्रॉपलेट में। कौन कन्वर्ट करेगा? इट इज़ नथिंग बट द बाइल सॉल्ट करेगा। बाइल सॉल्ट में सोडियम टॉकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑलरेडी आपको बाइल सॉल्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि देयर इज गोइंग टू बी बाइल सॉल्ट यहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं। यस सर, बाइल सॉल्ट यहां पे बन जाते हैं और ये स्ट्रक्चर को हम लोग हमेशा बोलते हैं फैट ड्रॉपलेट। We call it as a fat droplet. इसको हम लोग बोलते हैं fat globules और इसको हम बोलते हैं fat droplet. We call it as a fat droplet. समझ में आपको ये बात? हाँ, ये तो emulsification exactly में होता क्या है? Emulsification is the phenomenon of converting the fat globules into fat droplet. यहाँ पे fat globules को हम fat droplet में convert कर देते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इमल्सिफिकेशन क्यों होने की ज़रूरत है, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये होता है कि इमल्सिफिकेशन क्या, जो प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन है, क्या वो डाइजेशन है? ये दो सवाल होते हैं। इन दोनों सवालों का हम पहले जवाब देते हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि इमल्सिफिकेशन क्यों होने की ज़रूरत है, वाई देयर इज अ नीड। देखिए बच्चों, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये फैट का बड़ा सा ग्लोबुल्स है और लाइपेज जो एंजाइम है, जो फैट की वाट लगाता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, वो इस बड़े से फैट ग्लोबुल्स पे एक्ट नहीं कर सकता, उस पर वर्क नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका फैट डाइजेस्ट हो, तो इस फैट के ग्लोबुल्स को पीसेस में कन्वर्ट करना होगा, इसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि लाइपेज इसकी साइज अगर बड़ी है, फैट ग्लोबुल्स की साइज बड़ी है, तो उसको वो कैसे डाइजेस्ट कर सकता है? यस सर, इसीलिए इमल्सिफिकेशन जरूरी है। इमल्सिफिकेशन में बाइल सॉल्ट की मदद से जो बड़े फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। और अब सही समय आ गया है कि इस फैट ड्रॉपलेट के ऊपर लाइपेज एंजाइम वर्क करेगा। अब यहाँ पे लाइपेज जो एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा।
कैसे डाइजेस्ट करेगा उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, और ये दूसरा सवाल बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी कॉज करता है, क्या इमल्सिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ द फैट ग्लोबुल्स इनटू फैट ड्रॉपलेट, क्या ये डाइजेशन है? तो इसका आंसर हम लाइपेज के एक्शन में अभी इमिडिएटली यहाँ पे हम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइपेज की मदद से फैट को पहले डाइजेस्ट करते हैं। जब मैं फैट के बारे में बात करता हूँ तो एक बात समझ में आ जाती है, यस सर, इज दैट क्लियर? जब मैं फैट के बारे में बात करता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि फैट के अंदर ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या नाम रहता है बच्चों इसका? वी कॉल इट एज अ ग्लिसरॉल, GLYCEROL। ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है वी कॉल इट एज अ ग्लिसरॉल, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। और ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है मतलब तीन कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, हमने कंपोनेंट ऑफ फूड में डिस्कस किया हुआ है। और इस ग्लिसरॉल के पास जुड़े होते हैं फैट के मॉलिक्यूल, तीन फैटी एसिड जुड़े रहते हैं। सो दिस इज फैटी एसिड नंबर वन, दिस इज फैटी एसिड नंबर टू, दिस इज फैटी एसिड नंबर थ्री, ये जुड़े रहते हैं। ऑब्वियसली अगर ये जुड़े रहेंगे तो ये किसी बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड पाया जाएगा जो कि बॉन्ड पर्पल कलर का है, तुम्हारा दिसते राइट, इज दैट क्लियर? ये बॉन्ड होंगे, ये जो बॉन्ड होते हैं इन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, जैसे वी कॉल दिस बॉन्ड एज अ ईस्टर बॉन्ड। और हमारा जो लाइपेज है वो इसी ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, इसी ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे तीन फैटी एसिड है वो एक ग्लिसरॉल को जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। सो ये पूरे कंपाउंड का नाम है ट्राइग्लिसराइड्स, वी कॉल इट एज अ ट्राइग्लिसराइड, हम इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देयर विल बी लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, यहाँ पे लाइपेज एंजाइम आएंगे, और ये जो लाइपेज एंजाइम है किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो हमारे पास एक फैटी एसिड यहां पे रिलीज हो जाएगा, फैटी एसिड नंबर वन, फैटी एसिड नंबर वन यहां पे रिलीज हो गया है, फैटी एसिड नंबर वन यहां पे रिलीज हो गया है। देन आपको ये समझना है कि यहां पे ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और बट यहाँ पे दो फैटी एसिड अभी भी जुड़े रहेंगे, दिस इज फैटी एसिड नंबर टू, दिस इज फैटी एसिड नंबर थ्री, और ये अभी भी जुड़े रहेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा ईस्टर बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट होगा, यस सर, इज दैट क्लियर? यहाँ पे जुड़ा रहेगा, एंड प्लस यहाँ पे एक फैटी एसिड रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इस ग्लिसरॉल को दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसको हम डाइग्लिसराइड कहते हैं, डाइग्लिसराइड, अब इस डाइग्लिसराइड को हमारा जो लाइपेज है वो फिर से एक्ट करेगा, यस सर। सो यहाँ पे देयर विल बी अगेन देयर विल बी लाइपेज एंजाइम, यही लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम वो एंजाइम, लाइपेज एंजाइम वो एंजाइम कहलाता है जो इस ईस्टर बॉन्ड की वाट लगाता है, और जैसे ही ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फैटी एसिड रिलीज हो जाता है, यस सर, इज दैट क्लियर? सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, एक और फैटी एसिड यहाँ पे रिलीज होगा, तो पहले से एक फैटी एसिड था, दैट इज फैटी एसिड नंबर वन, अब एक और फैटी एसिड आ जाएगा, फैटी एसिड नंबर टू, और ये रहेगा आपका मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल,
और इस पे अब जुड़ा रहेगा एक ही फैटी एसिड, फैटी एसिड नंबर थ्री, यस सर, फैटी एसिड नंबर थ्री जुड़ा रहेगा एंड देयर इज गोइंग टू बी बॉन्ड, यस सर। अब ये एक ग्लिसरॉल को ओनली वन फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको डायग्लिसराइड से हम इसको नाम दे देंगे। बिल्कुल सही, मोनोग्लिसराइड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट ना, शार्प, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है। सो अब मोनोग्लिसराइड के ऊपर, मोनोग्लिसराइड अभी फ्री नहीं होगा, इसके ऊपर फिर से देयर विल बी लाइपेज, यस सर, हमेशा याद करना, लाइपेज एस्टर बॉन्ड की वाट लगाता है, डाइजेस्ट करता है। अब ये लाइपेज है, फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर वाला, ये बॉन्ड है ना, और अब यहाँ पे फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली यहाँ पे बन जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बन जाता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लस फैटी एसिड नंबर वन, प्लस फैटी एसिड नंबर टू और प्लस फैटी एसिड नंबर थ्री, यस सर, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैट का डाइजेशन, दिस इज कॉल्ड फैट का डाइजेशन। ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा, पहले आपने देखा ट्राइग्लिसराइड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड नंबर टू, और फिर से लाइपेज वर्क करेगा, ये एक जो बॉन्ड है उसको भी ब्रेक करेगा, तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अब रिलीज हो जाएंगे, है ना, इसी को हम बोलते हैं फैट का डाइजेशन। इमल्सिफिकेशन इज नॉट अ डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। तो पहले डाइजेशन का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, जब भी हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, डाइजेशन है ना, डाइजेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस होना, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस इज द ब्रेकिंग, हाइड्रो इज द वाटर एंड द लिसिस इज द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ ईस्टर बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, यहाँ पे कौन ब्रेक हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सो डाइजेशन एक हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है, इसमें बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, bonds are broken in presence of water, bonds are broken in presence of water, so I think this work is superb, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, है ना? So लेकिन emulsification में क्या, emulsification कुटे गेला है बाबा, हाँ इते बगा, emulsification में क्या कोई bond टूटता है क्या, कोई ester bond break होता है क्या, इसका जवाब है नहीं। इस emulsification वो process कहलाता है, इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस कहलाता है बड़ी बड़ी साइज का फैट ग्लोबुल्स, बड़ी बड़ी साइज का फैट ग्लोबुल्स फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर जाता है, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए कभी भी इमल्सिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नहीं कहलाता है। लेकिन ये बात याद रख जाना, बिना इमल्सिफिकेशन के फैट कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्लियर है, यस सर। तो मैं एक फाइनल वर्डिक लाइन यहां पे लिख देता हूं, इमल्सिफिकेशन इज नॉट डाइजेशन, व्हाई, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इमल्सिफिकेशन इज नॉट डाइजेशन, यस सर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैंने पर्पल कलर में लिखी हुई है, शायद ये क्लियर नहीं है बट आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैंक्रियाटिक जूस,
ये पार्ट को हम लोगों ने क्लियर कर दिया हुआ है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसी पैंक्रियास इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे इंटेस्टाइन के एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, और जब इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जैसे माल्टेज, आइसोमाल्टेज, एंट्रोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज, वो सारे एंजाइम्स हैं ना, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, वो सारे एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, उस लेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हुआ है। इनकेस समझ में नहीं आया हुआ है तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल कीजिए, लेक्चर नोट्स बनाइए और तभी ही मुझे फ़ोन कीजिए। यस सर। सो या आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा हुआ है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। यस सर। फिलहाल के लिए दिस इज़ विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।